व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास सोप है, सिवैयां भी मैं जो है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में यूज करके एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिनाज हेवन, मेरा घर मेरी जन्नत में। आप सबको खुश आमदीद। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी इस सब्सक्रिप्शन की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा है और बहुत सारी हाउस वाइफ ने जो है मेरे चैनल के थ्रू जो है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन दोनों को यूज़ करना सीखा है और सीख रहे हैं। मज़ीद मैं आपको और सिखाऊंगी कि किस तरीके से जो है आप अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को लेके चलेंगे और सालों लेके चलेंगे इंशाल्लाह। आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कोई खराबी नहीं आएगी और आप उसको बगैर किसी डर या झंझट के आप इजीली यूज कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आज की वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं इंट्रोड्यूस करूंगी कि कौन सा इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपने अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कैसे यूज करना है और किस तरह से यूज करना है और किस तरीके से यूज करेंगे तो नुकसान नहीं होगा और किस तरह से आप यूज करेंगे तो नुकसान होगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लास्ट में देखनी है एंड तक, ताकि आपको समझ आए, आपको पता लगे, आपके अंदर अवेयरनेस आए। मेन जो चीज है मेरी वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि आपके अंदर अवेयरनेस लेकर आना, आपको बताना आप कि आपने जो है क्या चीज़ यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, कैसे यूज़ नहीं करनी, ताकि आप जो इतनी महंगी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ अपने पास लेकर आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास आ रही है, तो वो ज़ाया ना जाए, बिल्कुल भी ज़ाया ना जाए, पैसे ज़ाया ना जाए, चीज़ ज़ाया ना जाए और आपको इस्तेमाल करना भी आए। व्यूअर्स आज की वीडियो में मेरे पास है सोप, मैं आपको बताने लगी हूँ सोप के बारे में कि सोप आपने जो है किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है और किस तरह से यूज़ करेंगे तो ठीक रहेगा और किस तरीके से आप यूज़ करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए खतरा है। व्यूअर्स जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास सोप है, एक अदर ट्रे मैंने ली हुई है, नाइफ है और सोक है। सोक मेरे पास वो ब्लैक कलर में होता है क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ब्लैक कलर का ही सोप यूज़ करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्यूअर्स सोप जो है आपको बटी की सूरत में भी मिलता है और इसके अलावा जो है आपको मार्केट में सिवैयों की सूरत में भी अवेलेबल है। सिवैयां भी मैं जो है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में यूज़ करके एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ। सिवैयां जो है वो इतनी अच्छी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए नहीं सही होती, वो जो है घुलती नहीं है और वो इसी तरीके से पानी से जो है वो अपना वर्क किए बगैर जो है निकल जाती हैं। और इसके अलावा ये नुकसानदेह भी हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, अगर वो नहीं घुलती हैं तो पानी में, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए मैं जो है सोप को यूज़ तो करती हूँ लेकिन उसके लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, सॉक यूज़ करती हूँ। सॉक यूज़ करने से क्या होता है, आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के किसी पुर्जे में या किसी सुराख में सोप नहीं जाता, जिसकी वजह से आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ख़राब नहीं होती। अच्छा, इसको किस तरह से यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ लेकिन आज की वीडियो में भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने व्यूअर करना यह है कि आपने इस सोप के चार हिस्से कर लेने हैं, यानी कि आपने चाहे जितने भी आपके कपड़े हैं, आपके कम कपड़े हैं, आपके ज़्यादा कपड़े हैं, आपने चूंकि आप डिटर्जेंट भी तो यूज़ कर रहे हैं ना, पाउडर डिटर्जेंट या लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं, तो आपने फिर सोप को कम यूज़ करना है, तो उसके लिए आपने करना क्या है कि आपने इसको चार बराबर हिस्सों में जो है आपने कट डाउन कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने चार बराबर हिस्सों में कट डाउन कर लिया है। अब चार बराबर हिस्सों में कट डाउन करने के बाद आपने क्या करना है कि एक हिस्सा लेना है और इसको जितना बारीक हो सके आप उसे कट करेंगे। इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जो आप कहेंगे जी पुराने ज़माने की तरह हम कर रहे हैं, और इसमें से बहुत सारे कहते हैं कि जी हमें सोप यूज़ करने से स्मेल आती है। देखें ये पाकिस्तान का सबसे अच्छा ब्रांड है सूफी सोप, और जो है क्या कहते हैं इसमें से स्मेल नहीं आती है। अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है भी तो उसके लिए आप फैब्रिक सॉफ्टनर भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आपके सामने कट कर लिया है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि ये मैं फिंगर चिप्स के जो है शेप में कट कर रही हूँ, नहीं, अच्छा मेरा ये एक्सपीरियंस है ये बहुत इजीली आसानी से पानी में, चाहे पानी ठंडा हो चाहे गर्म हो, ये बहुत इजीली जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, तो आप इसको इस तरीके से छोटे छोटे मज़ीद जो है कट कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मज़ीद कट करने की ज़रूरत नहीं होती, ये ईज़िली जो है ये डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में, तो इस वजह से मैं जो है इसको फिंगर चिप्स में ही करती हूँ। लेकिन ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कट किया था कि आप इस तरह से इसको चॉप्स भी कर सकते हैं सोप के। और आपने क्या करना है, सॉक ले लेना है और इसके अंदर इसको इस तरीके से
आपने डाल लेना है। ये देखें व्यूअर्स, मैंने क्या किया है, मैंने सॉप के अंदर सॉप के सारे जो पार्ट्स थे, जो मैंने फिंगर चिप्स या चॉप्स मैंने कटे थे, वो सब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब मैं क्या करने लगी हूँ, अब मैं इसकी एक टाइट नॉब बांध दूंगी। अच्छा, टाइट नॉब से क्या होगा कि ये बाहर नहीं आएंगे, ये आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को ख़राब नहीं करेंगे और ये इजीली पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा सोप, और आपके कपड़ों को बहुत अच्छे से क्लीन भी करेगा। देखें, सिर्फ डिटर्जेंट काम नहीं करता, डिटर्जेंट प्लस सोप, और उसमें और भी आप फार्मूले में ऐड करते जाएँ तो आपका स्टेन रिमूवर फार्मूला बन जाता है और वो क्लीनिंग फार्मूला बन जाता है और इस तरीके से कपड़े साफ़ करता है। तो आपने सॉक के अंदर सोप को लाजमी डालकर यूज़ करना है। अगर आप खुला यूज़ करेंगे, जैसे सिवैयाँ अगर सॉक के बगैर आप यूज़ करेंगे, तो क्या होगा कि आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जाकर सोप जम जाएगा और रह जाएगा, और जमने के बाद, रहने के बाद वो आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को ख़राब भी कर सकता है। तो बहुत सारी, एक मेरी कमेंट में व्यूवर आई थी, वो बता रही थी कि उनकी कोई जानने वाली थी, वो क्या करती थी, वो डिसॉल्व करने के लिए सोप को पहले बॉईल कर लेती थी पानी में, और अलग से पानी में बॉईल करने के बाद फिर वो जो है वॉशिंग मशीन के अंदर डालती थी। तो उससे क्या हुआ, उससे उनकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई। देखें, ये गलत तरीका है। आप बॉईल कर लेंगे, बॉईल करने के बाद जो है पानी में वो डिसॉल्व नहीं होता, तो वो सोप क्या होता है, वो बॉईल हुआ हुआ सोप जो है वो नीचे जाएगा, वॉशिंग मशीन में जम जाएगा और उसे ख़राब कर देगा वॉशिंग मशीन को। तो बेस्ट तरीका यही है कि आपने सॉक यूज़ करना है। मैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है कपड़ों के क्लीन करने के हवाले से। जो कहते थे कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कपड़े साफ़ नहीं करती, बहुत अच्छे साफ़ करती है जब वो क्लीनिंग फार्मूला यूज़ करे। तो ये बहुत बड़ी वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने बहुत अच्छे से देखनी है और बहुत अच्छे से आपने समझना है कि अगर आपने सोप यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना है, जिससे आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ख़राब नहीं होगी, और किस तरीके से आप यूज़ नहीं करेंगे जिससे आपकी ऑटोमेटिक मशीन का ख़राब होने का ख़तरा है। तो आपको सिवैयाँ भी मैं कहूँगी कि अगर आपने सिवैयाँ भी यूज़ करनी है तो भी आपने सोप के अंदर डालकर यूज़ करनी है, क्योंकि आपने सिवैयाँ अगर डायरेक्ट डाल दी तो भी वो आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को ख़राब कर देगी। तो जिसकी वजह से जो है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कंपनी जो है वो सोप को मना करती है, वो साफ़ कहती है कि आपने अगर सोप यूज़ किया तो आपकी मशीन ख़राब हो जाएगी। तो मैं एहतियातन आपको बता रही हूँ कि आपने किस तरह से यूज़ करेंगे तो आपकी मशीन ख़राब नहीं होगी। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने बहुत अच्छे से डिटेल में समझा होगा किस तरीके से आप जो है वो अपने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यूज़ करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ख़राब नहीं होगी। ये थी व्यूवर्स हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।